हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ईद है तो सबसे पहले मेरे सभी दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए। तो दोस्तों, ईद के इस खास मौके पर आज हम बनाने जा रहे हैं सेवइयाँ। वैसे तो सेवइयाँ कई तरह से बनाई जाती है, जैसे कि दूध की, या फिर आप चीनी की, या फिर आप खोया बीच में मिला के किसी भी तरह से आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपने इस तरह की सेवइयाँ अभी तक नहीं बनाई तो आप ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और इसका एक अपना ही एक स्वाद है, अपना ही एक फ्लेवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ईद के इस खास मौके पर सेवइयाँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सेवइयाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पे करीबन एक कप जो है मैंने बम्बिनो की सेवइयाँ ली हैं, और एक ही कप मैंने चीनी ली है। आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी रख सकते हो, और थोड़ा सा जो है 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। तो गैस पे हम भगोना रखते हैं। तो गैस पे मैंने जो पतीला रखा है वो थोड़े से भारी तले वाला है, क्योंकि इससे जो है सेवइयाँ हमारी जलेंगी नहीं। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। और घी मेल्ट होने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने सेवइयां रखी हैं। तो करीबन 1 कप सेवइयां है, इसे हम डाल के 2 मिनट के लिए घी में रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि जो सेवियाँ हैं और वो बहुत ही जल्दी जलने का डर रहता है। तो इसे करीबन 2 मिनट तक हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हल्का हल्का रोस्ट करना है, जलने नहीं देना, और लगातार इसे चलाते भी रहना है। देखिए बीच बीच में ये इसका कलर जो है हल्का हल्का चेंज हो गया है। 2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है, इसे और हिलाना पड़ेगा हमें। तो देखिए जो सेवइयाँ हैं हमारी हल्की हल्की सी रोस्ट होनी शुरू हो गई हैं, और इसमें हम अब डाल देंगे करीबन 1.5 कप पानी। अगर 1 कप सेवइयाँ है तो आपने 1.5 कप जो है इसमें पानी डालना है। तो इस तरीके से 1 कप हमने डाल दिया है, और 1/2 कप पानी जो है हम इसमें और डाल देंगे और अच्छे से हिला देंगे, और साथ ही हम डाल देंगे 1 कप चीनी। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम भी आप डाल सकते हो, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए 2 मिनट के बाद इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, और अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो पे कर देंगे, और वो भी छोटी वाली गैस आपने यूज़ करनी है, यानी कि छोटा बर्नर हो जिसमें, और इसे हम ढक के अब पकने के लिए रख देंगे। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही कम फ्लेम पे इसे पकने के लिए रखना है, और अगर फ्लेम ज़्यादा है तो आप इसके नीचे तवा भी रख सकते हो, ताकि ये धीरे धीरे पके। और इसका पानी सूखने पर हम इसे एक बार फिर से खोल के देखेंगे, और बीच बीच में इसे आपने चलाते भी रहना है। तो एक बार ढक्कन खोल के फिर से देख लेते हैं, और अच्छे से इसे हिला देंगे। तो देखिए पानी जो है धीरे धीरे सूख रहा है, और मैंने जो है पतीले के नीचे पुराना तवा जो है रख दिया है। अगर आपके पास बहुत ही कम फ्लेम वाला भी बर्नर है तो आप उस पर भी रख सकते हो, और इसे फिर से ढक के रख देंगे जब तक कि हमारा पानी बिल्कुल ना सूख जाए। तब तक हमें इसे पकाना होगा।
इसमें देखिए 2 या 3 मिनट के बाद हम इसे एक बार फिर से चला के देख लेते हैं और इसे खोल के देखते हैं कि हमारी जो सेमियाँ हैं वो पक चुकी है या नहीं। तो देखिए पानी जो है ऑलमोस्ट सूख चुका है इस तरीके से देखिए, तो हमारी सेमियाँ भी पकते तैयार है। इसे अच्छे से एक बार और हिला देंगे और इसे जो है ढक्कन लगा के करीबन 5 या 10 मिनट के लिए हम इसी तरीके से रख देंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो स्टीम में थोड़ी थोड़ी जो उसकी जो स्टीम है इसे थोड़ा पका देगा अगर थोड़ी बहुत कसर है, और गैस की फ्लेम को हमने बंद करके इसे 10 मिनट तक आपने इसे रखना है। तो देखिए अगर जो है सेक ज़्यादा है तो इस तरीके से देखिए, मैंने कोई पुराना तवा जो है पतीले के नीचे रख दिया था जिससे कि वो धीरे धीरे स्टीम में जब पकती है तो बहुत ही बढ़िया और खिली खिली सेवइयाँ हमारी बनके तैयार होती है। तो इसे 10 मिनट के लिए हम रख के थोड़ी देर वेट करते हैं और इसके बाद हम इसे खोल के इसे सर्व करेंगे। तो 10 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के देखते हैं और इसे हम एक बार हिला देंगे कि देखिए जो पानी है बिल्कुल सूख चुका है और हमारी सेवइयाँ भी बन के तैयार है। और बहुत ही बढ़िया सेवइयाँ बनी हैं, दाना दाना सेवइयाँ बनी हैं और इसे हम अब प्लेट में डाल के सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेवइयाँ बन के तैयार हैं, इसे मैंने बादाम बारीक बारीक काट के इसे ऊपर से गार्निश कर दिया है। बहुत ही सुंदर दिख रही है और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है, आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही बढ़िया और सबको बहुत ही पसंद आती है। दूध वाली सेवइयाँ तो आपने बहुत बार खाई होगी लेकिन चीनी वाली सेवइयाँ तो है इसका एक अलग ही टेस्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।